सबको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। बट एक चीज क्लियर कर दूं, ये टाइटल बिल्कुल क्लिकबेट है और ये कोई एक्सपोज वाली बात ही नहीं है। पर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जेन्युइन और ऑनेस्टी से आपको जवाब मिलेगा। कुछ लोगों को सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए होता है, इसलिए मुझे ऐसा टाइटल डालना पड़ा। पर अपन कंट्रोवर्सी नहीं देंगे, ये वीडियो टू द पॉइंट करूँगा और बिल्कुल ऑनेस्टी और जेन्युइन तरीके से करूँगा। सो दोस्तों, इसी नोट पे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू द चैनल, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हो सौरभ क्रिएट्स। पहला क्वेश्चन है कि आप अपने चैनल को सिर्फ 12 वीडियोस में मोनेटाइज कैसे किया। दोस्तों, यूट्यूब में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको 4000 घंटा एक साल में पूरा करना होता है और उसके साथ 1000 सब्सक्राइबर काउंट भी पूरा करना होता है, तब जाके आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे। यूट्यूब में पहले आपको स्मार्ट वर्क करना है, फिर आपको हार्ड वर्क करना है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा स्मार्ट वर्क से, देन आपका जो भी हार्ड वर्क करोगे यूट्यूब में, उसका असल रिजल्ट आपको मिलेगा, वो भी डॉलर के रूप में। मैंने सौरभ भाई से 4000 घंटे का वॉच आवर खरीदा है 6000 रुपये दे के, और 750 रुपये में 250 सब्सक्राइबर भी खरीदा हुआ है, तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। सौरभ भाई एक SMM पैनल चलाते हैं, सर्विस चलाते हैं, और SMM का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग। दूसरा सवाल है, मैं कितने दिनों में अपना चैनल मोनेटाइज करवा पाया। एक्चुअली सौरभ भाई कहते हैं कि अगर आपके चैनल में 4 ऐसे वीडियोस है जो कि 1 घंटे का है, तब जाके आपका चैनल 10 दिन में मोनेटाइज होगा। पर मेरे चैनल में सिर्फ 1 आवर का एक ही वीडियो था, फिर भी सौरभ भाई ने मुझे 10 दिन में 4000 घंटा पूरा करके दिया और एक दिन में 250 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था। और जब आप ये थ्रेशोल्ड पूरा कर लोगे तो आपका अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन वाला एक ऑप्शन खुलता है, तो मेरा भी खुला है, तो मैंने क्लिक किया है और ठीक 3 दिन बाद मेरा चैनल मोनेटाइज सक्सेसफुली हो गया। तो टोटल मुझे 14 दिन लगे मेरे चैनल फुल्ली मोनेटाइज होने में। सो दोस्तों, तीसरे सवाल पे आता हूँ कि आपने 1K सब्स और 4000 घंटा कैसे खरीदा। मैंने 1K सब्स तो नहीं खरीदा, पर हाँ 250 सब्सक्राइबर ही खरीदा हुआ है और 4000 घंटा खरीदा। मैंने सौरभ भाई को ईमेल में पूछा है कि मुझे ऐसे खरीदना है और मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, तो वो खुद आगे से मुझे कॉल किया है और कॉल करने के बाद मैंने उनको बताया कॉल में कि मुझे ऐसे ऐसे सर्विस खरीदना है, तो उन्होंने अच्छी तरह से मुझे गाइड की है और उनके गाइडेंस के अनुसार मैंने उनको पैसा सेंड की है और बाकी वो खुद ही हैंडल किया है और मुझे कुछ देखना नहीं पड़ा। उनके जो भी सर्विस है वो ऑटोमेटिकली उन्होंने करवा दिया। चौथा क्वेश्चन है कि सौरभ भाई जो ट्रैफिक देते हैं, ऑडियंस देते हैं, क्या वो एक्सटर्नल सोर्सेस से आते हैं। मुझे तो इतना पता नहीं, पर मैंने जब अपना यूट्यूब एनालिटिक्स देखा है उसमें वीडियो ट्रैफिक सोर्स सजेस्टेड ज़्यादा है, एक्सटर्नल बिल्कुल कम है। तो यूट्यूब पॉलिसी के अनुसार अगर आपका सजेस्टेड वीडियो परसेंटेज ज़्यादा है तो आपका चैनल मोनेटाइज इजीली हो जाएगा और एक्सटर्नल व्यूज़ हमेशा कम होना चाहिए। तो बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे सौरभ भाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या सौरभ भाई के सर्विस से हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाता है। दोस्तों, बिल्कुल हो जाता है, कोई 1% भी डाउट नहीं है। सौरभ भाई बिल्कुल ऑनेस्ट बंदा है और जेन्युइन तरीके से वो अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर 1% डर रहता है यूट्यूब पॉलिसी के छोर से। यूट्यूब कब पता नहीं अपना पॉलिसी चेंज कर दे, पर फिलहाल के लिए ये बिल्कुल सेफ है। आप लोग जल्दी से जल्दी सौरभ भाई से ये सर्विस खरीदो और अपना चैनल मोनेटाइज करवाओ। मेरी गारंटी है कि सौरभ भाई आपको आसानी से आपके वीडियोस
आपके चैनल मोनेटाइज कर देंगे। पर कंडीशन दो तीन है, मैं बता देता हूँ। पहले आपका चैनल में कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। जो भी आप म्यूज़िक ऐड करते हो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही करना, और एक घंटे का एक वीडियो होना चाहिए। ब्लॉग अगर होता है तो सबसे बेस्ट है। और जब भी वो एक घंटे का वीडियो बनाओगे तो एक घंटे 5 मिनट, एक घंटे 10 मिनट का वीडियो ही बनाना, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा वॉच आवर मिलेगा। ये मेरा टिप है आपके लिए। 6th क्वेश्चन है कि क्या सब्सक्राइबर काउंट घट जाती है? एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, यूट्यूब खुद मॉनिटर करते हैं कि अगर आपके चैनल में अचानक से एक सब्सक्राइबर काउंट में एक जंप होती है तो यूट्यूब खुद ये डिलीट कर देते हैं ऐसे सब्सक्राइबर। मैंने भी किया और लोग भी करते हैं सब फॉर सब इनिशियल स्टेज में। जब आप सब फॉर सब करोगे तो आप देखोगे कि एक दिन बाद ही आपका सब्सक्राइबर काउंट जितना आपने इंक्रीज किया है उनसे लगभग 80% घट भी जाता है। ये मैंने फ़िलहाल के लिए देखा हुआ है। YouTube ये खुद मॉनिटर करके सब्सक्राइबर डिलीट कर देते हैं। तो अगर सौरभ भाई से आप सब्सक्राइबर भी खरीदते हो तो ये सब्सक्राइबर काउंट गिर जाता है। इसके लिए आपको हमेशा 1K से ज़्यादा सब्सक्राइबर ही खरीदना चाहिए अगर आप अपने चैनल को सेफर साइड में रखना चाहते हो। मान लो आपके चैनल में ऑलरेडी 300 सब्सक्राइबर्स है तो आप क्या करोगे, सौरभ भाई से 1200 सब्सक्राइबर ही खरीदना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि मुझे 1200 ही सब्सक्राइबर खरीदना है और मैं जो भी पैसा बनता है मैं दे दूंगा। तो आपका हो गया 1500 सब्सक्राइबर। तो YouTube क्या करेगा, उसमें आपका लगभग 400 सब्सक्राइबर डिलीट कर देगा। फिर भी अगर डिलीट करता है YouTube, आपका चैनल में 1100 सब्सक्राइबर तब रहेगा और आपका चैनल भी सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा। और मोनेटाइजेशन होने के बाद मैंने नोटिस की है कि सब्सक्राइबर नहीं घटता और आपके चैनल में एक सडनली ट्रैफिक आना, व्यूज़ आना शुरू हो जाता है। और 7th क्वेश्चन है कि भाई क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और क्या एड्स आना स्टार्ट हो गया? बिल्कुल भाई, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरे वीडियोस में अभी एड्स भी आने लगे। नंबर 8 क्वेश्चन है कि क्या वॉच आवर भी घट जाती है? दोस्तों, सौरभ भाई जो सर्विस देते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वॉच आवर देते हैं, वो वॉच आवर नहीं घटता। आप बिंदास होके, टेंशन फ्री होके उनसे वॉच आवर खरीद सकते हो और सब्सक्राइबर भी खरीद सकते हो, जैसे मैंने बताया हुआ है। आपके चैनल बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सौरभ भाई बिल्कुल ऑनेस्ट बंदा है और बिल्कुल सही बंदा है, उनसे आप बेफिक्र होकर सर्विस खरीद सकते हो। पर एक प्रॉब्लम है कि वो इतना रिप्लाई नहीं दे पाते क्योंकि अकेला बंदा है और इतने सारे लोग उनको मैसेज करते हैं, वो अकेला इंसान से इतना रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, है ना? तो इसलिए इतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला है। मैं बार बार उनको ईमेल किया, उनको इंस्टा पे मैसेज किया, फिर जाके वो रिप्लाई दिया है और मुझे गाइड किया है और मैंने उनसे सर्विस खरीदा हूँ। जब आप अपने यूट्यूब के लिए उनसे सर्विस खरीद लोगे तब आपके लिए उनका रेस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है और आपको उनके फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया जाता है और आपके इश्यूज आसानी से हल भी हो जाएंगे। और 8th क्वेश्चन है कि क्या वॉच आवर भी घट जाता है? दोस्तों, वॉच आवर बिल्कुल नहीं घटता, ये 100% काउंट होते हैं अपने चैनल मोनेटाइज होने में। तो दोस्तों, यहाँ तक ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो #AskSC देके मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। मैं अलग से एक Q&A वीडियो लाऊंगा, सिर्फ YouTube चैनल मोनेटाइजेशन टॉपिक पे ही होना चाहिए। अगर कोई पर्सनल सवाल होता है तो मैं वो सवाल फिलहाल के लिए नहीं लूँगा। और अगर आपको मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है तो इधर और इधर शायद होगी, मैं आई बटन में अपना उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और
ठीक लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना ताकि और सबकी मदद हो पाए। अगर मेरे इस चैनल में आप लोग आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगर दोस्तों मैं यूट्यूब में ग्रो होता हूँ तो आप सभी को मदद मिलेगा, मैं सभी को मदद करूँगा। तो तब तक के लिए जय शिव शंभू।